क्योंकि मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिस तरह से बालक के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं और बाद में जिस शिक्षक द्वारा उसको पढ़ाया जाता है वो उसके गुरु होते हैं और गुरु का दर्जा माता पिता के दर्जे से भी ऊपर माना गया है। कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागे पाए, बलिहारी गुरु आप में गोविंद दियो बताए, कि गुरु का जो दर्जा है वो क्योंकि गुरु रास्ता दिखाते हैं वो माता पिता से बढ़कर और जिस ईश्वर मानते उस ईश्वर के बराबर। तो मेरे राजनीतिक गुरु मानव साहब श्री काशीराम जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है, तो ये दिन मेरे जीवन में बहुत अहमियत रखता है। इस परिनिर्वाण दिवस पे मुजफ्फरनगर मोरना की ऐतिहासिक धरती बराबर में हमारा बहुत बड़ा तीर्थ सुप्रताप, यहां उपस्थित इस क्षेत्र की महान जनता, मेरी माताएं बहने, मेरे नौजवान छोटे भाइयों, मुझसे बड़े बुजुर्गों, मेरे हम उम्र साथियों, प्रेस के साथियों, पुलिस के साथियों, मेरे लिए ये दिन जहां एक तरफ दुख का पीड़ा का दिन है कि हमारे रहबर हमें छोड़कर चले गए और कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर वो 10 साल और जी जाते शायद इस देश में कमजोर वर्गों के बीच का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता। किसान कमेरा नौजवान गरीबों का सच्चा हितैषी महिलाओं का रक्षक इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठता, लेकिन जब वो चले गए हैं तो अब रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको और मुझे इस संकल्प सभा में ये संकल्प लेना है कि हमें माननीय शास्त्री काशीराम के हर अधूरे सपने को पूरा करना है। आज इस ऐतिहासिक धरती से हम लोग संकल्प लेते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता और उन्हें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी रामा नायडू कल्याण स्वामी कल्याण नारायण यादव, बाबू बलदेव प्रसाद कुशवा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, महाराज रामचूर वर्मा, संग्राम ये प्रजापति, वीरांगना उदयदेव पासी, मां सरकारी बाई, मां इंदिराबाई होलकर, माननीय दीना भाना वाल्मीकि और माननीय साहब काशीराम जी को मैं आज ऐतिहासिक दिन नमन पुनः करता हूं। आज इस चुनावी सभा में मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। आप ये जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि छुट्टी ना हो और उससे पीछे एक ही कारण है कि मैं मानता हूं कि अभी काम बहुत बाकी है और जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है। आज जिस तरह का ऐतिहासिक जनसैलाब आप लोगों ने यहां उपस्थित कराकर मेरे हौसलों को, पार्टी के हौसलों को, संगठन के हौसलों को, हमारे नेताओं को और हमारे लोकप्रिय प्रचार
खुशी इस बात की है कि जहां दूसरी तरफ हर पार्टी आर्थिक रूप से बड़ी सक्षम है, उनके कार्यकर्ताओं में बड़े बड़े साधन संसाधन है, उनके पास मीडिया को देखने के लिए तमाम तरह के ऐड हैं, व्यवस्थाएं हैं, वहां दूसरी तरफ मेरे भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के गरीब घर से आने वाले कार्यकर्ताओं ने मेरी एक आवाज में जिस तरह से पिछले 7-8 सालों से मेरी हर एक बात पे पहरा देने का काम किया, उससे पहले आशा उम्मीद करता हूं कि अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो समाज उसका साथ देता है। इसी तरह का प्यार नगीना में भी आपने मुझे दिया, सभी जाति धर्मों के लोगों ने मुझे वोट देकर और बड़ी बड़ी पार्टियां जिनमें बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े साधन हैं, उन बड़ी बड़ी पार्टियों पर भरोसा न करके जिस तरह से नगीना के लोगों ने आशीर्वाद देकर प्यार देकर मुझे वोट की ताकत से कामयाब बनाकर भेजा, उसी तरह से जिस तरह की मेहनत मैंने वहां देखी थी, मेरे भीम आर्मी के साथी हमारे आजाद समाज पार्टी के नेता उसी तरह के कार्यकर्ता मेहनत यहां इस मीरापुर विधानसभा में भी कर रहे हैं। मेरा विश्वास है जिस दिन चुनाव अनाउंस होगा और वोट पड़ेंगे और परिणाम आएगा, मैं संकल्पित हूं इस मिट्टी के आशीर्वाद से कि मीरापुर विधानसभा हम लोग कम से कम 20,000 वोटों से जीत के जाएंगे। इस बात का मुझे बहुत सम्मानित साथियों, चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर ये सच है, लेकिन चुनाव लड़ाएगा उनको एक क्षेत्र, चुनाव लड़ाएंगे उनको पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता और नेता, और इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं का भी मैं यहां पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। जो प्रभारी यहां लगाए गए हैं उनकी मेहनत का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जितने साथी जो टिकट की दौड़ में थे और जो चाहते थे उन्हें मौका मिले, लेकिन उन्होंने जिस तरह की वफादारी पार्टी के साथ दिखाई है, मैं उनको संकल्प लेके कहता हूं कि आपके अधिकारों के साथ किसी भी तरह का नुकसान हम लोग नहीं होने देंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों को वचन देता हूं। जाहिर भाई का चुनाव मैंने इसी बात पर हुआ कि उनका न कोई क्षेत्र में कोई विवाद है और न ही अपवाद है, वो निर्विवाद व्यक्ति है और पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं और उनके साथियों ने जिस तरह से पार्टी के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए उनके हाथ मजबूत करने का काम किया, मैं भाई जाहिर से भी ये कहूंगा, उनके परिवार से भी ये कहूंगा कि उनको इन साथियों को साथ लेकर चलना है, इनकी बात को मजबूत करना है, इनकी बात को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना है। और जिस तरह से मंडल के प्रदेश कमेटी के और जिले के संगठन ने हाथों हाथ मेरी बात को मजबूत करने का काम किया, उसके लिए भी मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, माननीय काशीराम साहब जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है, उनके बहुत सारे लक्ष्य और सपने थे, लक्ष्य उन्होंने निर्धारण किए और लक्ष्य लगभग उन्होंने पूरे किए, लेकिन एक लक्ष्य उनका अधूरा रह गया, वो लक्ष्य ये था जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे इस विचारधारा को मानने वाले लोग देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठेंगे। उनकी औलाद होने के नाते, उनके अनुयायी होने के नाते मेरी आपकी हम सबकी ये जिम्मेदारी रहती है कि हम उनके अधूरे सपने को पूरा करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताओ? अगर कोई पिता अपने बच्चों के सामने किसी काम को अधूरा छोड़कर चला जाए तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है कि उनके अधूरे काम को पूरा करें? मुझे दोनों हाथ उठाकर बताओ कि इस काम को पूरा करने में मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? तो आओ फिर मेरी बातों पर गौर करो। आप जानते हैं देश जब आजाद हुआ
15 अगर तुम्हें 47 को मैं बार बार समझाता हूं और आज फिर आपसे कह रहा हूं और आपकी बात समझ में आएगी, मैं इस बात की भी गारंटी देता हूं। मेरी गारंटी मोदी जी की गारंटी जैसी नहीं है जो कभी पूरी नहीं होती। मेरी गारंटी तो वो गारंटी है जो पूरी भी होगी और जिस दिन पूरी होगी आपको एहसास भी होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब आप मेरी बात को यहां से सुन के घर की तरफ लौटेंगे और अगले कुछ समय इस पर पहरा देंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि मैंने आपको किस माध्यम से क्या समझाया। तो जब 14 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों के अधीन था, जिस व्यक्ति की जेब में 100 रुपए थे 15 अगस्त को आजाद होने के बाद, 16 अगस्त 1947 को उसकी जेब में 100 रुपए थे। 14 अगस्त को जिसके पास 1 बीघा जमीन थी, 16 अगस्त को आजादी के बाद भी उसके पास 1 बीघा जमीन ही थी। और 14 अगस्त को तो नौकरी में नहीं था, आजादी के साथ नौकरी नहीं मिली, 16 तारीख को भी वो बेरोजगार ही था। बदलाव यह हुआ कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों ने पावर जो है यहाँ की सरकारों के हाथ में दे दी। अंतिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बनी, लेकिन 80 आजादी किसान समेरे नौजवानों को कम मिली। जब इस देश में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ, उस संविधान से क्या परिवर्तन हुआ? उस संविधान से परिवर्तन हुआ कि सभी लोग इस देश में बराबर होंगे। जो गैर बराबरी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था उस गैर बराबरी को खत्म करने का काम करेगी। कैसे? जिसके पास जमीन नहीं है, सरकारें बनने के बाद उनको जमीन देके जो है उनको इस गैर बराबरी से मुक्ति दिलाई जाएगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ाने का काम किया जाएगा, जिसके सर पे छत नहीं है उसको छत देने का काम किया जाएगा। जो जाति के आधार पर गैर बराबरी है, उठ नीचे इसको संविधान 26 जनवरी 1950 को पहले दिन से खत्म करता है। आज के बाद जाति धर्म के आधार पे ऊंच नीच नहीं होगी, हर व्यक्ति बराबर होगा और कोई जाति धर्म के आधार पे किसी का अपमान नहीं कर पाएगा। उसी तरह से धर्म के आधार पर सब लोगों को बराबरी होगी, सब अपने धर्मों को मानेंगे, सब अपने धर्मों की पूजा उपासना अर्चना करेंगे, कोई किसी को धर्म के लिए बातें नहीं करेगा कि कोई किसी धर्म को माने या कोई किसी धर्म को ना माने। ये सारी तरह की बराबरी यानी कि इंसानों को बराबरी का अधिकार और इज्जत की जिंदगी और अधिकारों के साथ जीने का अधिकार 26 जनवरी 1950 को मिला। और जिम्मेदारी सौंपी गई सरकारों को कि सरकार अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को सुनने का काम करेगी। लेकिन आप एहसास करके देखो, आजादी के 75 साल बाद हमें क्या मिला है। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं या लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सरों पर पक्की छत नहीं है। मैं अभी दिशा कमेटी की मीटिंग में बिजनौर गया था, पिछली बार हमारे यहाँ 933 मकानों का लक्ष्य था, इस बार फिर अभी भी लक्ष्य है। मैंने बैठते ये कहा कि जिलाधिकारी महोदय, अगर मेरे लोकसभा क्षेत्र में 1 बीघा ऐसा होगा जो कच्चा होगा, जिसके सर पर छत नहीं होगी, तो ये बिल्कुल किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप पैसा बनाइए, व्यवस्था कीजिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, किसी और मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा और कोशिश करूंगा जो वोट की ताकत नगीना के लोगों ने मुझे दी है, उस वोट से उनकी पीड़ा को हरने का काम करूंगा। तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, मैंने उनसे भी कहा कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी है, ये जो लूट मचाई मचा रखी है कि अगर 5,000 का बिल होगा गरीब का तो उसका कनेक्शन काट दोगे, उसकी कुर्पी डाल दोगे और पूंजी बदलों के लाखों करोड़ रूपए भाजपा की सरकार ने माफ किए हैं, इनको दिन के आगे कमजोर कर जाते हो और गरीबों को पीटने का काम करते हो, किसानों को बिजली का बिल न देने का उनके कनेक्शन काटने का काम करते हो। मेरी लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई कर्मचारी किसी गरीब वर्ग नियम से
कि मुझे उससे कुछ पैसे लूटने हैं, ये लूट खसोट का काम करेगा तो उसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों पे कार्रवाई करने का काम आपको करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सांसद साहब, मैं विश्वास दिलाता हूं एक भी घटना ऐसी पाई जाएगी तो उन पे कार्रवाई होगी। ये आपका क्षेत्र है, 75 साल बाद क्या मिला? पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, बताओ नौकरी मिल रही है? मिल रही है तो फिर सरकारें किस लिए? पढ़े लिखे हमारी बेटियां परेशान है, हमारे बीएड के बीटीसी के बच्चे परेशान है, भर्तियां नहीं आ रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया, 20,000 पदों पे आरक्षण का आंदोलन किया था, 6,000 आपको नौकरियां दिलाने का काम किया था, फिर उसमें रोक लगी, फिर हाईकोर्ट से उसको ऑर्डर हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। ऐसे ही वो बच्चे सड़कों में परेशान घूम रहे हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। कोई भर्ती आती है पुलिस की, अभी आई थी, भर्ती में घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, फिर मैंने मांग उठाई, दोबारा लेटर लिखा, फिर उसका पेपर दोबारा हुआ। अब पता लगता है कब उनको नौकरी मिलेगी। आप ये देखो मिल क्या रहा है, यहाँ क्षेत्र के किसान, ये हमारा गन्ना भाई में बैठे, गन्ना की फसल के जो है ना तो दाम किसान तय कर पाता है और ना नीले समय पे पैसा देती है। आपने जिनको एमएलए बना के भेजा है, कंटी बना के भेजा, वो पता नहीं क्या करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसान भाइयों, अगर आपने मेरे हाथों को मजबूत करा और भाई गाइड को जो ताकत देने काम करी, जो मील पैसा नहीं देगी उस मील पे ताला लगा दिया जाएगा जब तक आपके पैसे नहीं मिलेंगे। और आप जानते हैं मेरे यहाँ भिलाई मिल के लोग देरी कर रहे थे, मैंने परसों तक जब मीटिंग हुई तो जिलाधिकारी ने कहा कि भिलाई मिल वालों को उठा के समझा देना, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे तो मील नहीं चलेगी। इस मील पे ताला लगाने का काम यहाँ का मौजूदा सांसद करेगा, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे मन में तो बहुत सपने हैं और सपने ये सुनो कि कुटीर उद्योग लगने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मैं तो बहुत बचपन से देख रहा हूँ, मेरी माए पशुओं पालती है और पशुओं का दूध बेच बेच के अपने बच्चों को पालने का काम करती है, पूरी जिंदगी उनकी इसी में बीत जाती है। या वो कोलों पे काम करती है, या वो भट्टों पे काम करती है, या फैक्ट्रियों में जाकर सड़के ईंटे उठाती है। आज तक इस देश में महिलाओं को सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम सरकार ने नहीं किया। आप किसी क्षेत्र का मामला उठा के देख लो, बहन बेटियों पर जिस तरह का जुल्म हो रहा है, कानून व्यवस्था के बैठे लोग उस तरह से बहन बेटियों के सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कुटीर उद्योग लगे ब्लॉक स्तर पर और महिलाओं को घर पे रोजगार मिलने का काम हो, सम्मान की जिंदगी मिले और 15-20 हजार रूपये का रोजगार मिले। और जो पढ़े लिखे नौजवान है उनको अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो जब तक वो बेरोजगार है बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम करे और साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया लग के उद्योग धंधे लग के हजारों हजारों नौजवानों को जिलों में नौकरी मिलने का काम हो। जिन माँ बाप ने अपना पेट काट के जो है उनको पढ़ाने का काम किया, इस उम्मीद से कल मेरी लाठी बनेगा उन माँ बाप को भी कुछ सुकून मिले। मैं तो गरीब परिवार से आता हूँ और हमारे नेता बैठे हैं, मैं कहूंगा कि वो गौर करें, ये आपकी जिंदगी का मामला है, बता रहा मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। आज गरीबी का कारण ये है कि बेटा पिता के सामने हाथ फैलाकर कहता है कि मुझे सम्मान चाहिए और बाप चाहता है कि अपना दिल निकाल कर दे अपने बच्चे के लिए, लेकिन जेल में पैसे नहीं होते तो आपने आंसू लेकर चला जाता है, चला जाता है। बताओ मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं, ये सच है या नहीं बताओ? तो इस देश में जो अमीरी और गरीबी की खाई खड़ी करती है, इस खाई को पारने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन निकम्मी सरकारों को हटा के काम करने वाले लोगों को आपको बिठाना पड़ेगा। और जिस दिन काम करने वाले लोग आ गए, मैं लिख के देता हूं कि किसी गरीब का हाथ फैलेगा नहीं, वो गांव गरीब का इतना सक्षम होगा कि वो किसी दूसरे की मदद कर सके। जो पॉलिसी हमारी मैंने पार्लियामेंट में उठाई, आपने सुना नहीं होगा, और मैं आपको कहता हूं बताना किसने पॉलिसी दिया क्या कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या राष्ट्रपति का या मुख्यमंत्री का या केंद्रीय मंत्री का या स्टेट मिनिस्टरों का या डीएम का एसएसपी का सीओ का दरोगा जी का या गांव के सरपंच का जिला पंचायत का या आम मजदूर किसान का बेटा, सबकी
पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए, होनी चाहिए उनसे बताओ क्यों होनी चाहिए। सुनो, अमीर को पढ़ा लेंगे प्राइवेट में, गरीब कहां पढ़ाएगा, कहां पढ़ाएगा, सरकारी है और सरकारी में मास्टर कहां है और पढ़ाई कराओगे सरकारी में आप बताओ। और अगर सरकारी में पढ़ाई लानी है तो फिर जिलाधिकारी के बेटे को पढ़ाओ, एसएसपी के बेटे को पढ़ाओ, मंत्री के बेटे को पढ़ाओ, विधायक के बेटे को पढ़ाओ, क्योंकि कानून को बनाते हैं, कानून को वो लागू कराते हैं। जब उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलने की बारी आएगी तो गरीब किसान मजदूर के बच्चे को भी अच्छी पढ़ाई मिलेगी और जो जेब कटाई होती है इस नाम पर प्राइवेट स्कूलों में वो जेब कटाई बंद हो जाएगी। मैंने कहा पार्लियामेंट में कि हेल्थ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि गरीब को भी बेहतर से बेहतर इलाज मिले और मिलेगा कैसे, अमीर को प्राइवेट में चला जाएगा, गरीब तो आ जाएगा, बताओ कहां जाएगा। तो मैंने कहा कि सरकारी अस्पताल में सुविधा तब आएंगी, डॉक्टर तब मिलेगा, मशीनें तब होंगी, टेस्ट तब होंगे, दवाइयां तब मिलेंगी जब जिलाधिकारी का बेटा, उप जिलाधिकारी का बेटा, वीडियो का बेटा, सीडीओ का बेटा, जब विधायक का बेटा, मंत्री का बेटा और खुद बीमार होने पर ये सब लोग, उनके परिवार के लोग और मुख्यमंत्री हो, उपमुख्यमंत्री हो या मिनिस्टर हो या प्रमुख सचिव हो या डीजीपी हो, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने नेता सरकारी पदों पर सरकारी मान्यता लेते हैं, गांव के सरपंच से लेकर और राष्ट्र तक सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जब एक बेड पे किसान लेता होगा और दूसरा बेड पे जिले के जिलाधिकारी लेते होंगे या एसएसपी लेते होंगे, बताओ अच्छा इलाज होगा नहीं होगा, बताओ बताओ होगा नहीं होगा बताओ। और आज जो प्राइवेट में जाकर जेब कटाई होती है बंद होगी नहीं होगी, आपके जीवन में बदलाव होगा नहीं होगा। तो मैं तो कोशिश करता कि ऐसी पॉलिसियां बने, मैंने एक नाम उठाई थी 29 जुलाई को आप ऑन रिपोर्ट पढ़ लेना कि पार्लियामेंट में जाने के बाद हमने क्या प्रयास किए हैं। मैंने नाम उठाई थी कि न्यूनतम वेतन 700 रूपये होना चाहिए, 300-400 रूपये की मजदूरी में गरीब अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो सरकार को न्यूनतम मजदूरी जो है अभी 10-12 दिन पहले वो बढ़ाकर 783 रूपये करनी पड़ी और अक्टूबर के 1 तारीख से वो लागू हुई। ये किया हमने पार्लियामेंट में जाके, और साथ साथ ये जो हमारे पुलिस के भाई हैं उत्तर प्रदेश के, इनको 12 घंटे 16 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। मैंने इनके लिए भी मांग उठाई कि इनको 8 घंटे की जो है ड्यूटी होनी चाहिए और सप्ताह में एक दिन इनको छुट्टी होनी चाहिए और होटल स्कीम से इनको जो है बाहर करना चाहिए, इनकी वेतन विषमता दूर होनी चाहिए इनको भी, क्योंकि ये भी जनता की सेवा के लिए है तो इनकी परेशानियों को भी सरकारों को सुनना चाहिए। मैंने होमगार्ड के भाइयों का वेतन बढ़ाने की मांग उठाई, मैंने आशा आंगनबाड़ी भोजन माता जो है जिनको 2-4 हजार रूपये मिलते हैं उनका वेतन 21 हजार रूपये मिनिमम होना चाहिए, इस बात की मांग भी मैंने उठाई। और जो ग्राम में सेवक है इनको ग्राम रोजगार सेवक कहते हैं, मेरा इनके इनका एक पत्र भी मेरे पास आया है, जिनको ग्राम प्रहरी कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, इनकी वेतन वृद्धि हो, इनको भी न्यूनतम 20 हजार रूपये वेतन मिले, इसकी मांग भी मैंने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। पार्लियामेंट में तो मैं मांग को जोर शोर से उठाया लेकिन असेंबली में कौन उठाएगा, मैं असेंबली का हिस्सा नहीं हूं, असेंबली में वो उठाएगा जिसको आप चुन के अपनी वोट से विधानसभा में भेजने का काम करोगे। मजदूरों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, गरीबों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, कौन उठाएगा जिसको आप चुन के भेजोगे। आपका तो मौका जल्दी आ गया है, वरना लोगों के पास तो 2027 में आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं क्या मेरे काम में कमी है, दोनों हाथ उठाए बताओ मेरे काम में कमी है, कोई ऐसी एक नाम बताओ जिसपे आपके लिए लड़ता नहीं, क्या कभी आपके लिए जेल की परवाह करी, क्या लाठी की परवाह करी और तो गोली भी खानी पड़ी, क्या गोलियों से डरा। तो जब मैं पीछे नहीं हट रहा हूं तो महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए आप लोग क्यों पीछे हटना चाहते, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे। मैं विश्वास दिलाता हूं किसान भाइयों को कि किसान किसी के दफ्तर में कारण लेकर नहीं खड़ा होगा, अगर उसने मुझे ताकत देने का काम किया, भाई बैरज को ताकत देने का काम किया, रोड की ताकत से मजबूत करने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम संघर्ष करेंगे, इतना संघर्ष करेंगे
कि हर गांव वहां पर गली गली तक जाएंगे, हमें तैयारी करनी है। ये इम्तिहान मीरापुर के लोगों, इस इम्तिहान को अपना इम्तिहान बना लो। ये जो मेरा इम्तिहान है, जाहिर का इम्तिहान है, आजाद समाज पार्टी का इम्तिहान है, इसको अपना इम्तिहान बनाकर एक ताकत या अवसर बनाकर दे दो। और फिर आप देखना कि पूरे प्रदेश में गली गली गांव गांव घूम के, और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को, पाल समाज के भाइयों को, प्रजापति समाज के भाइयों को, कट्टर समाज के भाइयों को, गुर्जर समाज के भाइयों को, जाट समाज के भाइयों को, सिख समाज के भाइयों को, और तमाम सैन समाज के भाइयों को, विश्वकर्मा समाज के भाइयों को, कि उनके बच्चों को भी जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था 52% आबादी होने के बाद, इस आरक्षण को बढ़वा के जातिगत जनगणना करा के 52% कराने का काम भी हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं तो आपसे कहना, डर के साय में क्रिश्चियन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, कोई दाढ़ी पकड़ के मार देता, कोई टोपी पहनने में मार देता। और आज का आलम क्या हो गया, एक माहौल बना जा रहा है वीडियो बनवा बनवा के कि हर धर्म के इसके खिलाफ, कभी बुद्धिस्टों के खिलाफ, कभी सिख भाइयों के खिलाफ, और ट्रेन बना के हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके जो है वही बंटवारा करने का, हिंदू मुस्लिम करने का जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, ये भी किसी सिखावा नहीं है। और ये जो लोग भाषण देते हुए चाहते हैं, मैं आपको भी सावधान करते हुए कहना चाहता हूं, ये चाहते हैं कि आप इलेक्शन करें, सड़कों में आए, और जब आप सड़कों में आएंगे तो इनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा। जो सरकार में लोग बैठे, मैं आपको कहता हूं, आप बताओ सड़कों पर जब आपने हमें वोट दी है और हमारा साथ देने की बात कर रहे हो, तो आपके आंसू पोंछने का काम और आपके हर उठी हुई उंगली को रोकने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों को विश्वास और वचन देता हूं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इनकी कठपुतली मत बनो, इनकी बातों में मत आओ, ज्यादा बातों का मत बनो। आप समझदार लोग हैं, ये कोई बहुत ताकतवर लोग नहीं है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और किसी धर्म के लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, यहां तक कि हिंदू धर्म के लोग इनको पसंद नहीं करते, लेकिन ये अपने नेताओं के एजेंडों पर काम कर रहे हैं। हमें समझदारी दिखानी है, लापरवाही नहीं करनी। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जाहिद भाई प्रत्याशी है और वो मेहनत कर रहे हैं, और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, पुराने साथियों को जो मैं देख रहा हूं कि आज जो है वॉलंटियर की ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, हरियाणा में परिणाम हमारे फेवर में क्यों नहीं रहे, सुनना चाहते हो, करनी बात है इसलिए मेरे फेवर में, क्योंकि वहां विरोधियों से नहीं लड़ रहे थे, आपस के मनमुटावों से लड़ रहे थे। मैं जानता हूं अपनी ताकत को, जब जब आपने टूट होकर काम किया है संगठन और पार्टी के लोगों ने, तो फिर कोई लक्ष्य नामुमकिन आपके लिए नहीं है। लेकिन जब जब आपने मिशन से भटककर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ पे या अपने आप को किसी को नीचा दिखाने के लिए काम किया है, तो उसका नुकसान पार्टी संगठन को हुआ है। मैं आपकी ताकत से वाकिफ हूं। मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी, जब मैं पहली बार चलने के ऊपर मुकदमे लगे और आपने दिल्ली लाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत एनआरसी के आंदोलन में देखी, जब आपने मैं ये कवायद पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया। मैंने आपकी अहम ताकत जब दिल्ली में सदगुरु गुरुदास जी महाराज गुरु भट्टो दे गया, तब मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी कि आपने केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत दो प्रयास में देखी, मैंने किसान आंदोलन में मेरी एक आवाज पे जिस तरह से 13 महीने आपने साथ दिया, मैंने आपकी ताकत वहां देखी। और जब पहलवान बेटियों के अपमान किया गया दिल्ली में, जंतर मंतर का आंदोलन हुआ और आपने मेरी एक आवाज को खड़े होकर आके बाकी सरकारों को ऐलान करने का काम किया गया पहलवान बेटियों के साथ है, मैंने आपकी ताकत तब भी देखी। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि आप सीधे लोग हैं, इस देश में 16 साल से जो पार्टियां काम कर रही है उनको भी एहसास नहीं है, उनके आगे कुछ अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन आप तो लक्ष्य को लेकर निकले हैं। आपका कोई अपना लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य हाथों में अंतिम जो व्यक्ति है उसको सम्मान और सुविधा और अधिकार दिलाने का लक्ष्य है। तो मैं आपसे कहूंगा, ये जिम्मेदारी मैं उन लोगों के भरोसे छोड़ता हूं जिन्होंने मेरे आज बगैर ही आटा जिला पंचायत मुझे यहां से जिताकर भेजे थे। मैं और मुजफ्फरनगर के साथियों के भरोसे आपकी जिम्मेदारी छोड़ता हूं कि ये मीरापुर विधानसभा ना जाहिर लड़ रहे हैं, ना इनका परिवार लड़ रहा है,
ये मीरापुर विधानसभा चंद्रशेखर आजाद लग रहा है और चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है, कमजोर करना ये आपको तय करना। आप जानते हो अगर मेरी ताकत बढ़ेगी तो क्या कोई आप पे जुल्म कर देगा? बताओ, दोनों हाथ लगे मांग रहे कर देगा? कोई बहन नेतृत्व बदलने से दे देगा? कोई अधिकारी आपको परेशान कर देगा? मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और मैं शांत हो जाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे हिस्से में ताकत आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बताओ, मैं जोर से होगा मेरी आवाज का मैं नहीं मानता हूं आपको। लड़ाई को जीतना कर दोगे नहीं कर दोगे? और एक भाईचारा बना लोगे नहीं बना लोगे? और जब जैसे आपकी ताकत आज बनी है, आप देखना बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी और बोलना चाहेंगे कि कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए तो मैं आपको धैर्य रखने के लिए भी कहूंगा, समझदार दिखाने के लिए कहूंगा, दो कदम पीछे हटने के लिए कहूंगा, लेकिन इसलिए कि लोगों का भला करना इसलिए पीछे हटने कहूंगा, लेकिन ये आपसे कहूंगा कि अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी। और कौन कहता है नौजवान कमजोर होता है? कौन कहता है? शहीद आजम सरदार प्रताप सिंह सराभा 19 साल के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था, अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, शहादत स्वीकार की थी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने हंसते हंसते शादी का पर्दा चुमा था। और शहीद आजम संत शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी जिन्होंने जगह और द्वार को लंदन में जाकर सबक सिखाने का काम किया था। कौन कहता नौजवान कमजोर होता है? नौजवान जो है निर्माण नहीं कर सकता। और आपका अपना सिपाही, आपका सबसे छोटा वर्कर चंद्रशेखर आजाद आज नौजवान जो है जितने बड़े लोगों के दांत खट्टे कर रखे आप नहीं जानते हो? बताओ सामने बैठा आपके आपके कार्यकर्ता से ज्यादा मजबूती से कोई आवाज उठाता है आपकी? बताओ, मीडिया बंद आवाज उठाता हूं उठाता हूं। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक बार साथ दिया तो आपकी एक ताकत बनी। अब उत्तर प्रदेश में लक्ष्य बना लो और कुछ पार्टियां तो आपको हराने के लिए लड़ेंगे, याद रखना मेरी बात। वो भाजपा से नहीं लड़ेगी जिसका से चुनाव होगा, या सीधा सीधा चुनाव भाजपा से होगा, ये बात को मेरी याद रखना और हौसले में रखना, क्योंकि वो शाम दाम दंड भेद और मशीनरी पुलिस सबका प्रयोग करेंगे। डर तो नहीं जा रहे? वैसे तो तुम मेरे बाल शेर हो, तुम जाने वाले लोग नहीं हो, मैं जानता हूं इस बात को। और ये तो तुमने हथौड़ी में भी करके दिखाया था, मैं नहीं जानता इस बात को कि बड़े लोगों को भूत बताने का काम किया था। लेकिन मैं आपसे कह रहा, अगर ताकत नहीं बनाओगे तो सड़कों में नारे लगाते रह जाओगे, और ताकत बनाओगे तो फिर आपके लिए क्षेत्रों में काम करा पाओगे, पॉलिसी बनाने में भी, कानून असेंबली में बनेंगे, लखनऊ में मीरापुर में नहीं बनेंगे, मीरापुर के लोग तो वोट की ताकत देकर भेज सकते हैं। मैं एक और बात आपसे जानना चाहता, जब आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, जब आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं तो उस सामान को चेक करते हो नहीं करते हो? करते हो नहीं करते हो? ये देखते हो देखते हो सामान पूरा है नहीं है? ये देखते हो देखते हो एक्सपायर तो नहीं होगा सामान? देखते हो ना? और जिसको वोट देते हो वो 5 साल आपकी गलियों में भी दिखाई देता, फिर कुछ सोचते हो नहीं सोचते हो? कब तक फरे जाते रहोगे? कब तक फरे जाते रहोगे? जब 10 रुपए के 100 रुपए के सामान पर सोचते हो तो बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानियों से मिली, चाचा बच्चों की कुर्बानियों से मिली वोट को देने जाओगे तो इस बार 100 रुपए भी सोच लोगे पक्का? तो बताओ फिर क्या होगा परिणाम? जोर से बताओ और जोर से बताओ, चाहते हो नहीं चाहते हो जीते? दोनों हाथ उठाए बताओ, चाहते नहीं चाहते हो? तो ठीक है, फिर मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाई संजय रवि का जो जिला पंचायत भी है वार्ड नंबर 45 से और जिला सचिव है बसपा में थे,
और 27 साल पार्टी की सेवा करते रहे और 27 साल बाद और आप जानते हैं उसी से मेरी मजबूर हो गए क्योंकि अपने लोगों को मिलते नहीं दे सकते हैं, आरक्षण को खत्म होते नहीं दे सकते हैं, अपने बच्चों के हक अधिकार खत्म होते नहीं दे सकते हैं, इस देश की सरकारी संपत्ति को लूटते नहीं दे सकते हैं, इस देश की सरकारी नौकरियों को बर्बाद होते नहीं दे सकते हैं, निजीकरण के जरिए आपके अधिकारों को आपके बच्चों के हिस्से को छीनते नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं संजय और हमारे तमाम साथी सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हम चार मिट जाएंगे लेकिन अपने लोगों के अधिकार को छीन के इनके कुर्सी मार के किसी को बैठने नहीं देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा ये माननीय के सभी साथियों का, आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों का, हमारे मिशन सर्वेंट के सभी नेताओं का और हमारे अनुशासन समिति का, हमारे लीगल सेल के साथियों का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा आपका। मेरे साथ ऐसे दोनों हाथ बांधे खड़े हो जाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। इस लड़ाई में मेरी मदद कर दोगे नहीं कर दोगे? पक्का दोनों हाथ उठा के चलो फिर ठीक है। आप सबके बहुत बहुत बधाई और मंगलकामनाएं और आज के सफल कार्यक्रम के लिए जिला कमेटी का, मंडल प्रदेश कमेटी का, दोनों संगठनों की और हमारे सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।